दोस्तों दोस्तों दोस्तों, हैप्पी दिवाली। दिवाली आने वाली है और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं दिवाली के ऊपर कुछ तो चटपटा गेम बनाऊं। मेरा ये डेकोरेशन आप देख के आपको लग ही जाएगा कि मैंने बहुत ही बढ़िया सा गेम बनाया है। ये मेरा गेम का टॉपिक है, दिया दिवाली एंड किट्टी गेम। देखो, किट्टी तो चलती रहती है, हम लोग चाहते हैं कि दिवाली में हमारी फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग हो, और मैंने ये गेम आप लोगों के लिए बनाया है। बहुत ही मज़ेदार गेम है, कुछ नहीं लेना है। देखो, मेरे पास लास्ट ईयर के थोड़े से दिए पड़े थे, मैंने वो ले लिया है आप लोग को दिखाने के लिए। देखो, ये एक्चुअली यूज्ड वाले हैं, मैंने नए अभी तक ख़रीदे नहीं हैं। आप लोग के भी पास होंगे, और दिवाली के टाइम जब भी आप ख़रीदने जाओगे तो आप लोग ये रख भी सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे गेम खेल सकते हैं। ये कालापन छुपाने के लिए मैंने इसके ऊपर ये फूल रख दिए हैं। ये फूल बताऊँ कौन से हैं, जो हम घर पर पूजा करते हैं, मंदिर पर चढ़ते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना डेकोरेशन करने के लिए मैं ये फूल यहाँ पे रख दूँ। और दोस्तों, इसके साथ मैंने थोड़ी सी ये वाट ली है, घी की वाट है, और हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। नो प्रिपरेशन गेम है, लेकिन बहुत मज़ेदार गेम है। थोड़ी सी मैंने माचिस की तिल्लियाँ ले ली है। गेम हम एक मिनट के लिए नहीं खेलेंगे, हम दो मिनट के लिए खेलेंगे, क्योंकि दिवाली है और हम चाहते हैं कि दिवाली में बहुत ही बढ़िया से फ्रेंड्स लोगों के साथ ये गेम खेलें। देखो, अगर आपके 8 या 10 मेंबर है या 12 मेंबर है, आराम से आप लोग खेल सकते हैं। यही गेम आप दो जन मिलके भी खेल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को सिंगल गेम बताऊंगी। ये मैंने बनाई है छोटी छोटी रंगोलियाँ। ये पेपर मेरा ऑलरेडी तैयार है, अगर आपको चाहिए तो मुझे आप ईमेल करिएगा, मैं आपको PDF फाइल भेज दूँगी। ये टॉपिक की भी फाइल आप लोग को भेज दूँगी। अगर जहाँ पे मैंने गेम फॉर यू लिखा है, अगर आपको चाहिए कि मैं आपका नाम लिखूँ, तो मैं आप लोग को वो भी दे दूँगी। देखिए, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए कि मैं आपका नाम लिखूँ, मैं वो भी बना दूँगी। जहाँ तक मेरे से होगा मैं ज़रूर से करके भेजूँगी। और ये देखो, ये गेम है। ये गेम हमने कैसे खेलनी है, मैंने कहा ना, दो मिनट का गेम है और हम ये डाइस लेंगे। अब ऐसा है कि हम ये इसमें से ये सारे फूल निकालूंगी, लेकिन मैं पहले खेल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ मेरा गेम स्टार्ट हुआ, मैंने ये डाइस फेंका, 5, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5 आया, तो मैंने ये दिया यहाँ पे रख दिया, 4, 1, 2, 3 एंड 4 ये दिया मैंने यहाँ पे रख दिया। 1 अगेन मुझे आया, तो मैंने ये दिया यहाँ पे रख दिया। 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये दिया यहाँ रख दिया। आप लोग को क्लियरली दिख रहा है ना, क्योंकि मैं आस्ते आस्ते खेल रही हूँ। 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये दिया मैंने यहाँ पे रख दिया। फूल मैं हटा रही हूँ, क्योंकि फूल भी इंडिकेट करते हैं कोई चीज़ के लिए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये आ गया है यहाँ पे। देखो, मेरा भरता ही जा रहा है। 1, 2, 3, 4 अब ये है, यहाँ पे मुझे घी डालना है। ये येलो फ्लावर इज़ घी मेरे लिए। अब मैं फिर डाल रही हूँ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे मैंने फिर से घी डाल दिया है। 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इसमें भी घी आ गया है। 2, 1 एंड 2 देखो घी आ गया है, तो घी में मेरे को अभी वाट रखनी है। ये आया 3, 1, 2, 3 घी आया है यहाँ पे। 2 मिनट का गेम है, आराम से आप खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। 2, 1 एंड 2 यहाँ पे भी मेरी देखो वाट आ गई है, घी डाल दिया है, वाट आई है। अगेन 1 घी आया है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे वाट आई है। मुझे ये दिया कंप्लीट करना है, और मैं कैसे आगे जंप करूँगी वो देखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ पे भी मेरी वाट आ गई है। 1 यहाँ पे अगेन मेरी वाट आ गई है। 4, 1, 2, 3 एंड 4 ये देखिए बहुत आराम से मेरा चल रहा है गेम। 2, 1 एंड 2 यहाँ पे मुझे फिर दिया रखना है, ये मैंने रख दिया है, वाट हटा दी है। 1, 2 एंड 3 ये मेरा एक दिया कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर मैंने ये माचिस की तिली रख दी है, तो अब मैं ये गिनूंगी नहीं। 4, 1, 2, 3 एंड 4 मेरा ये दिया भी कंप्लीट हो गया है, मैं इसके ऊपर माचिस की तिली रखूंगी, ये गिनूंगी नहीं। 5, 1, 2, 3 ये नहीं गिना जाएगा, ये 5 है, तो यहाँ पे ये मेरा बाकी का दिया आ गया। देखो, सपोज़ मैं ये खेल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगी तो दिखेगा नहीं, 4 आया। 1, 2, 3
ये नहीं गिनूंगी, ये 4। इस तरीके से मैं 2 मिनट में जो भी मेरा ये कंप्लीट हो जाता है, ये मेरे गिने जाएंगे। तो मैं जितना देखूंगी कि मेरी दिवाली के दिए रेडी हो गए हैं कि नहीं, क्योंकि दिए हमने रंगोली के ऊपर रखे हैं, तो ये मेरा गिना नहीं जाएगा। तो जितना जल्दी हो हमको खेलना है ना दोस्तों। बहुत मज़ेदार गेम, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा जब अपने दोस्तों के साथ खेलोगे, और सबका लिखते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये लिखिएगा कि आपको मेरा ये गेम कैसा लगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू दोस्तों।